जिसकी उम्र करीब 23-24 साल की है, वो किसी काम से अपने लकड़ी का काम करती थी, तो उस काम से ग्राम गुड़ा से लौट के आ रही थी लकड़ी उतार के, तो वहाँ 11,000 की लाइन से टकरा के इनकी मृत्यु हो गई। और हम मांग करते हैं सरकार से, क्योंकि इनकी शादी भी अभी हुई है, एक बच्चा भी है, इनका पोस्टमार्टम करा के जो सरकारी मुआवजा उचित है उसे दिलाने की प्रशासन से मांग करते हैं। ये बताया जा रहा है 3 घंटे तक बॉडी रखी रही है, पुलिस नहीं आई है। हाँ, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। ये बोर्ड, ये लोग 1:15 बजे यहाँ आ गए थे, उसे करंट लगने के बाद वहाँ से चले, रास्ते में उसकी मृत्यु होगी, हॉस्पिटल आते आते यहाँ बताया, जब दिखाया कि यहाँ उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस प्रशासन को 1 बजे बताया, मगर पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ 3 बजे मौजूद हुए, मैं स्वयं 2 बजे आ गया था काफ़ी बताने के बाद, तब यहाँ 3 बजे आए। पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। भूपेंद्र, क्या घटना हुई है यहाँ पर? ये गाड़ी लेकर निकल रहे थे तो विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से तार जो झूल रहा था वो तार अस्वा टूटने से इसके ऊपर गिरा, तो गाड़ी भी भ्रष्ट हो गई और मौके से वहाँ से लेके आए, तो रास्ते में इसकी मौत हो गई। कितने घंटे हो गए यहाँ बैठे आपको? यहाँ पर कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए सर बैठे हुए यहाँ पर। अब पंचनामा के लिए पुलिस आई है? अब 2-2.5 घंटे में थाना नसीरपुर से पुलिस आई है, बार बार कॉल करने से कॉल भी रिसीव नहीं हुई और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे, फोन ही नहीं उठाने को तैयार है। इंस्पेक्टर बोल रहे हैं आप अपने हिसाब से करेंगे, निकल गए फिर ज्यादा बोल फोन किया तो बोल रहे हैं अपने हिसाब से करेंगे, आप चुपचाप बैठो वहीं पर। मना कर दिया। आया है व्यक्ति, किस तरह का मामला सर पूरा बताइए। ये 11,000 की लाइन से ये गाड़ी लेके जा रहा था मैक्स, और उसमें 11,000 की लाइन कहीं इसकी मैक्स से टच हो गई और उसी में इसकी इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ हो गई। हॉस्पिटल लाया गया तो ये ब्रॉड डेड था।